सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। फाइनली गाइज, आज हम आ चुके हैं सदनपुर एरिया में। आज एक्चुअली यहाँ पे जो है शिव जी का एक जो है मंदिर है और यहाँ पे मूर्ति स्थापित किया गया है। एक्चुअली आज महाशिवरात्रि है, तो आप सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे आज गाँव की सभी महिलाएँ एंड औरत सभी जो भी हैं यहाँ पे आए हैं अपनी जल छोड़ने के लिए। शिव जी के जो है यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है और यहाँ पे जल जो है छोड़ने के लिए आई हैं। तो चलिए आप लोगों को हम पास से दिखाते हैं। और शिव जी का यहाँ पे दो तीन दिन से जो है अच्छे प्रक्रिया से जो है यहाँ पे कलर पेंटिंग किया गया और सभी जो है सुविधा यहाँ पे जो है मैनेज किया गया और काफ़ी अच्छे ढंग से मैनेज साफ सुथरा किया गया था। तो चलिए फिलहाल अभी हम आपको पास से दिखाते हैं। फाइनली गाइस, अभी जैसा कि देख सकते हो हम जस्ट शिव जी के मंदिर के पास आ चुके हैं और यहाँ पे जो है शिवलिंग है और यहाँ पे शिव जी का जल चढ़ाया जा रहा है काफ़ी अधिक मात्रा में। इस साइड देख सकते हैं गांव की औरत महिलाएं यहाँ पे आई हैं, सभी लोग जो है जल शिव जी को चढ़ाने के लिए और आज भूखी भी हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो फिलहाल अभी हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं और अच्छा दिखेगा। तो फिलहाल वेट शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप। तू दूर न हो ना शंभू, मैं किसी और का हो ना पाऊं। जीवन में कितने भी बड़े बन जाना, अपने घर के मंदिर में ही सही रोज सुबह इसे कहा करो, मैं तेरे दरबार का। जैसा कि देख सकते हो अभी हम आ चुके हैं शिव जी के पास और यहाँ पे देख सकते हैं जो है यहाँ पे जल छोड़ा जा रहा है और महिलाएं माया में भुलाइल पाड़ा तो मूर्ति है। यहाँ पे देख सकते हैं गांव के सभी भाई लोग एंड औरत सभी जो सभी लोग यहाँ पे जल शिव जी को छोड़ने आए हैं और आज जो है महाशिवरात्रि का पर्व भी है, तो इस खुशी में सभी लोग आज भूखे भी हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे अधिक मात्रा में जल छोड़ने के लिए आए हैं और काफी ज्यादा भीड़ भी लगा हुआ है। तो चलाइयो निकल रहा हूँ मैं से, देख सकते हैं जैसा। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे गांव के चाचा जी भी आए हैं जल छोड़ने के लिए। तो चाचा जी, आप किस खुशी में जो है आप भूखे हैं कि नहीं? आज नहीं फर्क है, अभी जब तक भूखे रहे तब तक जल नहीं चढ़ा है। अच्छा, चढ़ जाए तो खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी यहाँ पे गांव के सभी औरत महिलाएं पुरुष सभी जितने भी लोग हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जो है जल छोड़ने के लिए आए हैं। और देखने में यार दिन एकदम बहुत ही खुश हो जा रहा है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब आते हैं यार यहाँ पे जल छोड़ने के लिए तो देखने में नज़ारा कुछ अलग ही हो जाता है। फिलहाल अभी और यहाँ पे नंबर वाइज लगा हुआ है, देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ है। इधर भी देख सकते हैं जैसा कि हाँ हाँ पहिर के भगवा थारी माटे सब लड़का तैयार धीमे धीमे। अंदर जाने का मार्ग जो है अभी जाम हो चुका है, फिलहाल टाइम वेटिंग करना पड़ेगा। अंदर वाले जो है बाहर आएंगे तभी बाहर वाले अंदर जा पाएंगे। फिलहाल वेट वीडियो में बने रहिए, अभी चल रहे हैं कुछ और सीन दिखाने के लिए। जीना मरना है सब अब तेरे नाल वे कर दे, मान लाइन नंबर है ना, ये कर दे कर दे। भोले के मनाई के घंटी बजाई के, ए अभी बिजी बनो। हां हां भाई, आप गाना गाए पूरी बूढ़ा है तब तक पिछड़ा रहा साथे जा मुगरिया जो आई जा मेरे भगवान की जय। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं शिव जी को जो है यहाँ पे जल विसर्जित किया जा रहा है, जल छोड़ा जा रहा है शिवलिंग पे। और ये रहा भैया जो है हमारे भोलेनाथ जी का तिरंगा हो गया, झंडा हो गया। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, कट कट यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटे से नन्हे से प्यारे से यहाँ पे कैमरा मैन आ चुके हैं लेके मोबाइल। इस शो में मैंने इस शो में तो बहुत बड़ा कर दिया है।
इधर देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ लगा हुआ है, और इधर देख सकते हैं अभी कुछ लोग आ भी रहे हैं गांव से निकल के शिवजी के मंदिर के पास यहाँ पे जल छोड़ने के लिए। ओ शनि मंगल तेरे दर पे मैं आऊं, शनि मंगल इसी का गिनती से डाला तुमको गिनती सुनाई डाल से चाहिए एक घंटा लगा जय हो मोबाइल देख काम कर जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है शिव जी के पास यहाँ इनके मूर्ति पे शिवलिंग के पास यहाँ पे जो है जल जो है सभी लोग छोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि कैमरे में आप लोगों को दिख रहा है जस्ट सामने, और यहाँ पे सभी लोग जो है जल छोड़ के पूजा कर रहे हैं। तो इधर देख सकते हैं चाचा जी भी आ चुके हैं हमारे गाँव के, यहाँ पे शिव जी को जो है बहुत ज़्यादा मानते हैं। आप लोग देख ही सकते हो कैमरे में जल छोड़ रहे हैं और अगरबत्ती जो है जला देख सकते हैं। फिलहाल अभी हमारा ब्लॉग काफी लॉन्ग तो नहीं होगा बट छोटा होगा क्योंकि हमें कई जगह जाना है, इसलिए फिलहाल ये ब्लॉग छोटा ही रहेगा, स्मॉल रहेगा। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में हमारा इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।